हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि मेरा एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का इंग्लिश का मॉक टेस्ट चल रहा था, जिसमें मैं ऑलरेडी आप लोग को 26 नंबर तक का मॉक टेस्ट कवर करवा दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ये मेरा 27 नंबर तक का मॉक टेस्ट है फ्रेंड्स, और ये मेरा 27 नंबर का मॉक टेस्ट है जिसको आज हम आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को पाउच करके पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग को खुद से फाइंड आउट करना है। अगर आप लोग से नहीं हो पाता है तो हम जो बताते हैं फ्रेंड्स उसको ध्यान से सुनना है और समझना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक बात करना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो कराऊं फ्रेंड्स इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैस्टिकेट। मैस्टिकेट का क्या बताना है, इसका बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड बताना है किसका, मैस्टिकेट का। तो सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि आखिर मैस्टिकेट का हिंदी क्या होता है। तो इसका हिंदी होता है चबाना। क्या होता है? चबाना। तो आई होप कि इसका राइट आंसर आप लोग फाइंड आउट कर लिए होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीव। चीव का हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी भी होता है चबाना। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी चौक का हिंदी क्या होता है। तो चौक का हिंदी तो होता है सांस रुकना। क्या होता है? जो हम ब्रीदिंग करते हैं तो सांस अचानक रुक जाता है, उसे क्या कहते हैं? चौक। एंड बाइट का हिंदी आप लोग सभी को जानते होंगे कि बाइट का हिंदी होता है काटना या फिर कुतरना। एंड सॉलो का हिंदी क्या होता है? तो सॉलो का हिंदी होता है पी जाना या फिर निगल जाना। क्या होता है? पी जाना या फिर निगल जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का डायरेक्शन कर रहा है अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करने के लिए। किसका कर रहा है? फेरोसियस। फेरोसियस का क्या करना है? अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है, डेट मीन्स इसका एंटोनियम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि आखिर फेरोसियस का हिंदी क्या होता है। तो इसका हिंदी होता है बदमाश या कुख्यात। क्या होता है? बदमाश या कुख्यात। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, माइल्ड। माइल्ड का हिंदी क्या होता है? तो माइल्ड का हिंदी होता है विनम्र। क्या होता है? विनम्र या फिर इंसान या फिर उसको क्या कह सकते हैं? सौम्य। और बात करते हैं फ्रेंड्स स्वीट का हिंदी, तो आप लोग सभी को जानते होंगे। एंड ब्रूटल का हिंदी क्या होता है? तो ब्रूटल का हिंदी तो क्रूर या फिर निर्दयी। इसका एक सिनोनियम होता है अनकाइंड। क्या होता है? अनकाइंड। जो निर्दयी होता है उसे क्या कहते हैं? अनकाइंड कहते हैं या ब्रूटल कहते हैं। और वाइल्ड का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? वाइल्ड का हिंदी होता है जंगली। क्या होता है? जंगली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब होता है, आप लोग के सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है और चार ऑप्शन में से आपका तीन ऑप्शन रॉन्ग है एंड एक ऑप्शन आपका राइट है। तो जो राइट है फ्रेंड्स आपको उसको फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब आप लोग बोले सर ऑप्शन नंबर ए का हिंदी क्या होता है? तो एलेविएट का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? एलेविएट का हिंदी होता है कम करना। क्या होता है? कम करना। बात करते हैं फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नोइडर से है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आप लोग को हम कई बार करवा चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, तो आप लोग इसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। क्या कर रहा है? द रीजन जिनेत कैम ड्रेसेड एज लेडी गगा गागा वॉज बिकॉज सी हैड बीन। इस तरह का अगर लिखा रहेगा तो इसको हैड पढ़ा जाता है। क्या? हैड। सी हैड बीन टोल्ड इट वॉज कॉस्ट्यूम पार्टी। कॉस्ट्यूम पार्टी, ओके नोइडर। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आप लोग गौर कीजिएगा, द रीजन है और इसके साथ कौन सा कंजंक्शन का यूज किया? बिकॉज का यूज किया। आप लोग को कुछ याद आ रहा होगा अगर आप लोग मेरा रोज वीडियो देखते होंगे। अगर आप लोग मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आप लोग को द रीजन और बिकॉज को देखकर कुछ याद आ रहा होगा। नहीं याद आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए, आप लोग को एक एक चीज को हम बारी बारी से समझाते जाएंगे। क्या है द रीजन है? तो आप लोग एक रूल नोट कीजिए फ्रेंड्स कि द रीजन, द रीजन या फिर द रीजन वाई, डब्ल्यू एच वाई, द रीजन या द रीजन वाई आया रहे तो उसके साथ हम लोग बिकाउज का यूज नहीं करते हैं। तो आप लोग बोले सर किसका यूज करते हैं? तो इसके साथ हम डैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स? डैट का यूज करते हैं, ना कि बिकाउज का करेंगे और ना ही देन का करेंगे, ना ही देन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डैट का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम आप लोग के लिए यहाँ पे रूल नोट करके भी लाए हैं। अगर आप लोग नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लोग पीडीएफ
प्राप्त कर लीजिए। पीडीएफ आप लोग को कहाँ से मिलेगा? पीडीएफ के लिए आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आप लोग को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और ये रूल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी में ही था, बिकाउच की जगह क्या होगा, डैट का होगा। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, क्या कर रहा है? द पाथ टू द फेमस क्रश पासेस थ्रू ए फॉरेस्ट, नो इरर। तो इसका क्या आंसर होगा? इसमें नो इरर है, इसमें क्या है, नो इरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए फर्स्ट यूरोपियन सेलर Who came to India was Vasco da Gama। तो सेलर का हिंदी क्या होता है? सेलर का हिंदी होता है नाविक। आप लोग तो जानते ही होंगे क्योंकि आप लोग एयरफोर्स और नेवी के स्टूडेंट रहते हैं। तो इस सेलर का हिंदी क्या होता है? नाविक होता है। जैसे आप लोग नेवी SSR का फॉर्म भरते हैं तो क्या होता है? नाविक सेलर होता है। ओके, तो सेलर का मतलब क्या होता है? नाविक होता है। तो ये फर्स्ट यूरोपियन सेलर, तो देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट यूरोपियन सेलर मतलब यूरोपियन नाविक, तो इसके पहले हम लोग ए का यूज किए हैं। किसका यूज किए हैं? ए का। लेकिन ये आपका गलत है, हम लोग इसके पहले किसका यूज करेंगे फ्रेंड? द आर्टिकल का यूज करेंगे। कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे? द का यूज करेंगे, ना कि ए का यूज करेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेजिस्लेशन वॉज पासेड टू पनिश ब्रोकर्स हु फिल इन द ब्लैंक्स देयर क्लाइंट्स फंड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि आखिर लेगिलेशन का हिंदी क्या होता है। तो लेगिलेशन का हिंदी होता है नियम कानून। क्या होता है? नियम कानून। और ब्रोकर्स का हिंदी क्या होता है? ब्रोकर्स का हिंदी होता है दलाल। क्या होता है? दलाल। और क्लाइंट का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? क्लाइंट का हिंदी होता है ग्राहक। तो अब हम इसको पूरा, इस ये जो सेंटेंस आप लोग के सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये सेंटेंस को हम आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। तो लेगिलेशन वॉज पासेड टू पनिश ब्रोकर्स, मतलब ब्रोकर यानी दलाल के लिए नियम कानून पारित किया गया। किस लिए? दलाल को दंडित करने के लिए नियम कानून पारित किया गया। क्यों नियम कानून पारित किया गया फ्रेंड्स? हु फिल इन द ब्लैंक्स देयर क्लाइंट्स फंड, क्योंकि वह क्लाइंट्स यानी ग्राहक के फंड से क्या करते थे? तो ये डिफाल्केट करते थे। डिफाल्केट का मतलब क्या होता है? डिफाल्केट का मतलब लूटना। मतलब वो जो ग्राहक को फंड मिलता था फ्रेंड्स, दलाल लोग क्या करते हैं? उनके फंड से कुछ पैसा लूट लेते थे, यानी कुछ पैसा घपला करते थे। उसे क्या कहते हैं? डिफाल्केट, मीन्स लूटना या फिर घपला करना। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इतना पसंद का हिंदी देख लेते हैं। डाइवेस्टेट का हिंदी क्या होता है? डाइवेस्टेट का हिंदी होता है उजाड़ना। डेव्योर का हिंदी होता है नष्ट करना। एंड डॉवडेल का हिंदी क्या होता है फ्रेंड? डॉवडेल का हिंदी होता है समय के साथ नष्ट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हिज फादर वॉज फिल इन द ब्लैंक्स द सेम बिजनेस। तो इसके साथ किसका यूज होगा? ऑप्शन नंबर ए का यूज होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। किसका यूज होगा फ्रेंड्स? तो इसके साथ यूज होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी का यूज होगा। अब आप लोग कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी का आपने यूज क्यों किया? तो हम मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स किसका हिंदी पहले आप लोग समझिए। हिज फादर वॉज, उसके पिता क्या करते थे? द सेम बिजनेस, मतलब उसी व्यवसाय में काम करते थे जिसमें वह लगे रहना चाहते थे। तो एंगेज्ड मींस क्या होता है? लगे रहना। मतलब उसके पिताजी उसी व्यवसाय में लगे हुए थे जो जिसमें वह काम करना चाहते थे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और मैनेजिंग ओवर का हिंदी क्या होता है? तो मैनेजिंग ओवर का हिंदी होता है प्रबंध करना। इनडॉब्ड विथ का हिंदी क्या होता है? इनडॉब्ड विथ का हिंदी होता है सुसज्जित करना, मतलब सजा देना। और इनलिस्टेड इन का हिंदी क्या होता है? तो इनलिस्टेड इन का हिंदी होता है सूचीबद्ध करना या फिर क्रमबद्ध करना। क्या होता है? सूचीबद्ध करना या फिर क्रमबद्ध करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इट इज ड्यू टू दिस लेथार्जी दैट द प्लेन फेल। तो लेथार्जी का हिंदी क्या होता है? लेथार्जी का हिंदी होता है सुस्ती। क्या होता है? सुस्ती। मतलब यह इस सुस्ती के कारण, इसके सुस्ती के कारण जो कलम था वह क्या हो गया? नीचे गिर गया। तो नीचे गिर गया, तो फेल थ्रो का मतलब क्या होता है? FELL, फेल थ्रो का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? फेल थ्रो का मतलब होता है नीचे गिरना। मतलब इसके सुस्ती के कारण जो कलम था वो नीचे गिर गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका एडियम फ्रेज से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी या फिर बैर। तो आई होप कि इसका राइट आंसर आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इनिमिटी मींस क्या होता है? दुश्मनी या बैर। और शूटिंग का बात करें तो शूटिंग मींस होता है गोली मारना। एनीमिया एक प्रकार का डिजीज होता है फ्रेंड, जिसका हिंदी होता है अरक्तता। क्या होता है? अरक्तता। एंड मॉर्निंग का हिंदी क्या होता है? तो मॉर्निंग का हिंदी होता है शोक। क्या होता है? शोक। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है।
बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश, इसका क्या बताना है फ्रेंड्स, ये एक आपका इडियम फ्रेज है, इसका आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा सॉरी ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप लोग बोले सर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आखिर क्यों होगा, तो इसका जो मतलब होता है फ्रेंड टू बीट अबाउट द बुश, मतलब क्या होता है इधर उधर की बातें करना, तो टू टॉक अबाउट इरिलीवेंट थिंग्स, मतलब इरिलीवेंट बातें करना, रिलीवेंट मतलब क्या होता है पॉइंट पे बात करना, और इरिलीवेंट मतलब क्या होता है घुमा फिराकर बातें करना, मतलब कभी भी पॉइंट पर आता है लेकिन बहुत देर से आता है, घुमाते रहता है एक ही बात को, क्या कहता है घुमाते रहता है, उसे क्या कहते हैं इरिलीवेंट कहते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैडन स्पीच, मैडन स्पीच का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति प्रथम बार भाषण देता है, जब कोई व्यक्ति सबसे पहले बार भाषण देता है यानी प्रथम बार भाषण देता है तो उसे क्या कहते हैं मैडन स्पीच यानी फर्स्ट स्पीच, पहली बार भाषण। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, मतलब एक ऐसा स्थान जहां सिक्का को, सिक्का का उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स मिंट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं मिंट कहते हैं, मिंट मीन्स क्या होता है जहां सिक्का का उत्पादन किया जाता है, जहां सिक्का को ढाला जाता है, जहां सिक्का को ढाला जाता है उसे क्या कहते हैं मिंट कहते हैं। और बैंक का तो हिंदी आप लोग जानते होंगे, फर्म का हिंदी क्या होता है, फर्म का हिंदी होता है दृढ़, क्या होता है दृढ़ या फिर कड़ा, और पार्लियामेंट का हिंदी क्या होता है, पार्लियामेंट का हिंदी होता है संसद, क्या होता है संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द प्रोसेस बाई मीन्स ऑफ विच प्लांट्स एंड एनिमल्स, द प्रोसेस बाई मीन्स ऑफ विच प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीद, तो मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जो एनिमल भी करता है और प्लांट भी करता है, क्या कौन सा प्रोसेस करता है फ्रेंड्स, सांस लेने का प्रोसेस करता है, तो एनिमल और प्लांट जो श्वास लेने का प्रोसेस करता है फ्रेंड, जो श्वास लेने का क्रिया करता है उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस क्रिया क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये लिखना कि सर हमको इसका आंसर नहीं आता है, हम आप लोग को एक एक करके एक्सप्लेनेशन आप लोग को दे देंगे, आप लोग तो कमेंट तो करके देखिए कि सर हमको इसका आंसर नहीं आता, आपको बताइए, नहीं बताएंगे तो आप लोग कहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वन हु सीनर्स एट द एम एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स वह जो अपने साथी लोगों के उद्देश्य और विश्वास को स्वीकार करता है, जो अपने साथी लोग यानी जो अपने मित्रों को उद्देश्य और विश्वास का स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे सैनिक कहते हैं, सैनिक मीन्स क्या होता है निंदक, क्या होता है निंदक। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और बात करते हैं फ्रेंड्स ये तीनों ऑप्शन का, तो क्रिटिक का हिंदी क्या होता है, तो क्रिटिक का हिंदी होता है आलोचक, क्या होता है आलोचक। एंड क्वाइंस्योर का हिंदी क्या होता है, तो क्वाइंस्योर का हिंदी होता है पारखी या फिर गुणज्ञ। एंड पेंडेंट का हिंदी क्या होता है, तो पेडेंट का हिंदी होता है फ्रेंड्स पंडितवादी, क्या होता है पंडितवादी। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो इसे एक सब्सक्राइब, इसे लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो कराऊं फ्रेंड्स इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अभी तक आप लोगों ने मेरा वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप लोग जितने भी सोशल मीडिया यूज करते हैं फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी यूज करते हैं उस पर मेरा वीडियो को फैला दीजिए, और इस वीडियो को वहां वहां तक पहुंचा दीजिए फ्रेंड्स जहां तक इस वीडियो का जरूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।